में हम बात करेंगे कि आप लोग किस तरह से, इस तरह ये टू जो आप लोगों को लिखा नज़र आ रहा है सबस्क्रिप्ट में, ये किस तरह से आप लोग लिख सकते हैं एमएस वर्ड में। और दूसरी बात हम बात करेंगे कि आप लोग ये जो क्यूब एक्स के ऊपर ये क्यूब नज़र आ रहा है सुपर स्क्रिप्ट में, ये आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं एमएस वर्ड में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को ये एच टू ओ लिखने का तरीका बताऊँगा जो सबस्क्रिप्ट में है। मैं लिख देता हूँ एच, यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ एच, फिर लिख देता हूँ टू और फिर लिख देता हूँ ओ। अब ये टू में सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे जैसे ये हाईलाइट हो जाता है। मैं यहाँ लिखूँगा कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल साइन दबाऊँगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और प्लस साइन से ये ऊपर चला जाता है, सुपरस्क्रिप्ट में चला जाता है। अब मैं वापस कर लेता हूँ इसको कंट्रोल जी और मैं इसको सबस्क्रिप्ट में लाना चाहता हूँ जैसे ये एच टू ओ का फॉर्मूला, तो मैं लिख दूंगा कंट्रोल इक्वल्स, कंट्रोल और इक्वल दबाऊंगा मैं, तो यहाँ से ये यहाँ सुपरस्क्रिप्ट में यहाँ पे नीचे में सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, एच टू लिखा नज़र आ जाएगा। अब मैं फर्ज करें एक्स क्यूब लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख देता हूँ एक्स और थ्री लिख देता हूँ, यहाँ से मैं इस थ्री को हाईलाइट कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबा देता हूँ, तो यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाता है। इसके लिए क्या फार्मूला है, इसे के लिए मैंने क्या दबा लिया, यहाँ पे मैंने दबा लिया कंट्रोल सी एन टी आर एल में लिख देता हूँ और उसके साथ मैंने प्लस इक्वल साइन मैंने दबा दिया, कंट्रोल प्लस इक्वल दबा दिया मैंने इसके लिए। और इस नीचे के लिए मैंने क्या किया, इस नीचे के लिए अगर मैं आप लोगों को लिख दूँ तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ मैंने किया कंट्रोल सी एन टी आर एल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस साइन, प्लस साइन या इक्वल साइन, वो ये तीनों आप लोग करोगे तो यहाँ पे ये सुपरस्क्रिप्ट में आ जाएगा और यहाँ कंट्रोल प्लस इक्वल दबाओगे तो ये यहाँ सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। तो एक्सेल में ये ट्रिक आप लोगों को याद होना चाहिए। शुक्रिया।